से था इस दल में, अब दिल से था पहले, अब दल में हूँ। पहले दिल में था। देखिए, बिहार में 2025 में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, इसको लेकर के सभी राजनीतिक दल अपने अपने पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए इसको लेकर के खूब जोर भी लगा रहे, तमाम बैठकें भी की जा रही। वहीं 2024 के परिणाम आने के बाद भी समीक्षा बैठक भी किया गया था, लेकिन अब जनता दल यूनाइटेड पूरी तरीके से एक तरीके से प्लानिंग के तरह 25 को लेकर के काम करने में जुटी हुई है। और आज नीतीश कुमार के ही गृह जिला से मनीष कुमार वर्मा, जो आईएएस बने 2000 में आईएएस बने और 2020 में बीआरएस लेकर के, यूँ कहे कि नीतीश कुमार के साथ जुड़े रहे, सचिव रहे, उनके निजी सचिव के तौर पे काम करते रहे, लेकिन उन्होंने इस्तीफा देकर के, यानी सचिव पद से इस्तीफा देकर के अब जो है जनता दल यूनाइटेड की सदस्यता ग्रहण कर लिया। उन्होंने तमाम बातों को रखा, उन्होंने एक एक करके कहा है कि हम नीतीश कुमार से काफ़ी प्रभावित हुए, और उन्होंने 2000 में जब उनकी ज्वाइनिंग हुई तब वो उड़ीसा में कार्यरत हुए, उसके बाद से 2012 में बिहार में आए, बिहार में आने के बाद उन्होंने नीतीश कुमार को काफ़ी करीब से देखा, और बिहार में यानी कई जिलों के वो डीएम भी रहे, कार्य भी किया बिहार में, अलग अलग जिलों के डीएम के रूप में उन्हें कार्यभार को संभाला। लेकिन कहें न कहें कहें तो लगातार जो है जदयू की तरफ से जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही थी तभी ये दावे भी किए जा रहे थे, अंदर खाने से सूत्रों से खबर भी आ रही थी कि मनीष वर्मा नाम के कोई व्यक्ति हैं, उनको जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी राष्ट्रीय कार्यकारी सचिव कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाएगा, लेकिन उस समय जो है संजय झा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन उसके बाद से फिर चर्चा चलने लगी कि आखिर मनीष कुमार वर्मा को क्या दिया जाएगा, पार्टी में क्या उनका स्थान रहेगा, लेकिन आज ही मनीष कुमार वर्मा जो है जदयू की सदस्यता ग्रहण किए हैं। एक तरीके से कहे तो नीतीश कुमार को उन्होंने काफ़ी प्रशंसा किया है कि नीतीश कुमार को हमने काफ़ी करीब से देखा है, काम करने के तौर तरीकों को देखा है, और हमने भी यानी उन्होंने ये भी बात कहा कि पहले हम दिल में थे लेकिन अब दल में आ गए। यूँ कहे कि 25 का चुनाव है, इसको देखते हुए कहीं ना कहें कहे तो जदयू ने कमर कस लिया है उसके, और दूसरी तरफ कहे तो आरजेडी है लगातार दावे कर रही है कि नीतीश सरकार पूरी तरीके से फेल है, लेकिन नीतीश कुमार पूरी प्लानिंग के तहत एक एक लोगों को जोड़ने में लगे हुए कि कैसे 25 के चुनाव को फतह किया जाए। और वहीं आरजेडी तो लगी है, लेकिन नीतीश कुमार ने एक एक कदम संजय झा को जिस तरीके से कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया तब से कहा जाए कि पार्टी को मजबूती मिलेगी। उसके बाद से मनीष कुमार वर्मा जो नीतीश कुमार के गृह जिला से हैं और उन्होंने आज पार्टी का दामन थामा, और उन्होंने पार्टी का दामन थामते ही कह दिया कि हम पहले दिल में थे अब दल में आ गए हैं, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार से हम काफ़ी प्रभावित हैं, और तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं आपको, और मनीष वर्मा ने पार्टी ज्वाइन करते हुए क्या कुछ कहा है वो भी सुनवाते हैं आपको। जीवन में तो पद मिलता होता रहता है, आईएएस है, और बहुत आईएएस का काम मैंने किया भी था, तब तक 21 साल तक नौकरी की थी, और उसके बाद मुझे लगा कि अपना जीवन राज्य की सेवा में समर्पित करूं, यहाँ के लोगों की सेवा में समर्पित करूं, तो इसके लिए मैंने वहाँ से त्याग पत्र दे दिया, और त्याग पत्र दे करके माननीय मुख्यमंत्री जी के पास आ गया, और उसके बाद जो यहाँ पर जो लास्ट दो पद है जिसके बारे में मैंने बताया था, पोस्टिंग हुई है, काम कर रहा था, और मैं तो ये कहूँ कि पहले दिल से था इस दल में, अब दिल से था पहले, अब दल में हूँ। पहले दिल में था। तो आपने सुना किस तरीके से मनीष वर्मा ने साफ साफ कह दिया कि हम पहले दिल में थे अब दल में आ गए हैं, और एक तरीके से कहे तो लगातार जो जदयू की तरफ से लगातार जो 25 की तैयारी कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि पूरी जोर शोर से की जा रहे हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव लगातार जो है कई जगह का दौरा भी कर रहे हैं, कई लोगों से मुलाकात भी गए, और पूरी प्लानिंग किया जा रहा है आरजेडी की तरफ से कि 25 में कैसे तेजस्वी को सीएम बनाया जाए। वहीं दूसरी तरफ कहे कि लगातार एनडीए की तरफ से नीतीश कुमार के यानी नेतृत्व में ही 25 के किला को कैसे फतह करना है, और नीतीश कुमार जो जदयू है तीसरे नंबर की पार्टी है उसको कैसे पहले नंबर की पार्टी बनाना है, इसको लेकर जनता दल यूनाइटेड पूरी तरीके से सतर्क हो गई है, तमाम प्लान तैयार किया जा रहे हैं। उसी का एक हिस्सा है मनीष कुमार वर्मा जो आज पार्टी का यानी हिस्सा बने हैं। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से नीतीश कुमार के गृह जिला से आने वाले मनीष कुमार के आने से पार्टी में कितना मजबूती मिलता है।